कोटा सीट पर एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि ये चेंज आपके लिए एक अपने दो साल का नुकसान, एक साल का नुकसान कर सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं था कि मैनेजमेंट कोटा सीट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करनी और ये फीस देनी जरूरी नहीं थी। पिछली बार ऐसा होता था, पिछले सालों में ऐसा होता था कि जो लोग ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, जहां जो पास नहीं हो सके, जहां जो रजिस्ट्रेशन के दौरान अवेयर नहीं थे, तो वो जो 13% सीट्स बचती हैं, पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं कि 100 में से 13 सीट्स जो 13 सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा की पेड सीट होती है, तो वो उन लोगों के लिए सूटेबल था जो अवेयर नहीं थे। लेकिन इस बार नहीं, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसमें ये यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन बीएड कोर्स इन एनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ पंजाब फॉर एनी कोटा, एनी कोटा यहां पर स्टार लगाया है, स्टार कोटा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा एज वेल। कोई और कोटा भी है, ये भी है, आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर जरूर होना पड़ेगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा विल आल्सो हैव टू रजिस्टर ऑन द एडमिशन पोर्टल विच विल बी ओपन आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग। ठीक, यहाँ ये नहीं बताया गया कि आपका टेस्ट देना जरूरी है या नहीं, लेकिन आपको हर हालत में रजिस्टर होना जरूरी है। मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि अगर आप रजिस्टर हो रहे हो तो टेस्ट दे दीजिए, बेशक आप बिना पढ़े भी दे रहे हो तो मैं ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि अच्छे मार्क्स ले सकते हो, और आप मैनेजमेंट कोटा से जो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, आपकी फीस जो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, वो बच सकती है। ठीक, तो सेकंड काउंसलिंग के बाद ये ओपन होगा मैनेजमेंट कोटा के लिए। जो लोग सोए हुए हैं उनको जागना पड़ेगा, आप इस वीडियो के जरिए उनको बता सकते हो कि अगर आप बीएड करना चाहते हो तो यू हैव टू रजिस्टर ऑन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज पोर्टल, दैट इज इन ऑर्डर टू सेव योर इवन मनी एंड टाइम एंड टेंशन रिडक्शन के लिए। ये लाइन भी कंप्लीट कर लें, फॉर एकेडमिक सेशन, हाँ ये हो चुकी है, रजिस्टर्ड ऑन एडमिशन पंजाब पोर्टल। तो मेरे ख्याल में हर जो शख्स बीएड पंजाब के किसी भी कॉलेज से करना चाहता है, उनको ये रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। अभी डेट बाकी है, इजी प्रोसीजर है, आप घर बैठे कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियो आपको भेज रहा हूँ। कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर भेजिए, उस पर भी इंफॉर्मेशन दूंगा जब वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ, इस वीडियो को इस भले के काम के लिए, आप, मैं कोई वीडियो अपना शेयर करने के लिए कहीं रिक्वेस्ट नहीं करता, हाँ इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई किसी को इस प्रोसीजर का पता नहीं है, इस चेंज का पता नहीं है, तो उसको पता लग जाना चाहिए।